हेलो डियर स्टूडेंट, मैं प्रज्वल सिंह आपका टॉप 10 क्लासेस बच्चों एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज बच्चों हम आपका लेकर आए हैं चैप्टर 2 का बच्चों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। तो बच्चों चैप्टर 2 क्या है आपका, अम्लक्षार एवं लवण है। क्या बच्चों? अम्लक्षार लवण है। और सबसे पहले बच्चों यहाँ आपने क्वेश्चन लिख रखा है अम्लक्षार एवं लवण क्या है। तो सबसे पहले बच्चों प्रश्न उत्तर नंबर वन। तो बच्चों अम्ल क्या है? अम्ल, तो अम्ल के बारे में बच्चों आप लिख सकते हैं कि जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे। क्या कर दे बच्चों? नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे। और जो जली विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या बच्चों? वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, तथा जली विलयन में H+ आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों यदि हम देखें जैसे बच्चों HCl, यदि बच्चों HCl को हम जल में घोलते हैं तो HCl बच्चों H+ और Cl- बच्चों क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। जल में घोलने पर तो बच्चों क्या होता है? H+ और Cl- बच्चों क्या होता है? ये आपका ब्रेक हो जाता है। ये बच्चों आपका Cl है। और बच्चों यदि आपका यही वियोजन, मतलब बच्चों आयनन, यदि बच्चों वियोजन मतलब आयनन कितने परसेंट बच्चों आपका 100% हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम आपका क्षार क्या। बच्चों सबसे पहले बच्चों क्षारक, तो वे पदार्थ बच्चों अम्ल क्या करते हैं बच्चों? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और ये क्या करेंगे? लाल को क्या करेंगे? नीला करेंगे। तो वे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, तथा जली विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। जैसे बच्चों हमने आपका लिया NaOH, तो NaOH को बच्चों आप जल में घोलेंगे तो बच्चों ये आपका Na+ और हाइड्रॉक्सिल आयन बच्चों ब्रेक हो जाएगा। तो क्या यहाँ आपको हाइड्रॉक्सिल चाहिए बच्चों? आपको हाइड्रॉक्सिल आयन मिला। और यही हाइड्रॉक्सिल आयन बच्चों यदि आपको जल में मिल रहा है तो आप उन्हें क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। और बच्चों अगला है आपका लवण क्या होता है। तो बच्चों अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं तो ठोस पदार्थ बनाते हैं, उसी ठोस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं।
अगला पॉइंट बच्चों क्या है आपका, लवण क्या है। तो लवण क्या है बच्चों, अम्ल, अम्ल, क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप, अम्ल क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप, अम्ल क्षार अभिक्रिया के फलस्वरूप बना बना ठोस पदार्थ लवण कहलाता है। जैसे बच्चों एन ओ एच है बच्चों, ये आपका क्षार है और ये एच सी एल, तो ये सी एल बच्चों जली भी एच प्लस और सी एल माइनस ब्रेक होगा और एन ओ एच बच्चों एन ए प्लस और हाइड्रॉक्सिल आयन ब्रेक होगा बच्चों। तो जो आपका ये है बच्चों अटैक कहाँ पे करेगा, यहाँ पर एच प्लस पे, तो क्या बन गया बच्चों आपका एच टू ओ। और बच्चों सी एल माइनस एन ए के पास गया तो क्या बना दिया आपका एन ए सी एल। तो ये बच्चों आपका क्या बन गया, साल्ट बन गया बच्चों। ये क्या होता है, सॉलिड होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, लवण कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के पश्चात, उदासीनीकरण अभिक्रिया के पश्चात बना ठोस पदार्थ क्या कहलाता है बच्चों, लवण कहलाता है। या अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को बच्चों हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके जो ठोस पदार्थ बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। अब बच्चों हम आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर दो पे। तो क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर दो आपसे कह रहा है कि सूचक क्या है बच्चों, क्या बच्चों सूचक क्या है। तो कोई भी पदार्थ अम्ल है कि क्षार है, इसकी टेस्टिंग करने के लिए बच्चों हम सूचक का उपयोग करते हैं, या एक्सपेरिमेंट में बच्चों हम एंडिंग पॉइंट को प्राप्त करने के लिए हम सूचक का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन है आपके कि सूचक क्या है। तो सूचक जो होते हैं बच्चों, ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय विलयन में एक रंग और क्षारीय विलयन में दूसरा रंग देते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो अम्लीय विलयन में एक रंग व क्षारीय विलयन में दूसरा रंग देते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। तो बच्चों सूचक में आपको तीन बातें ध्यान रखनी है। एक लिटमस पेपर बच्चों, क्या बच्चों लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर बच्चों आपके दो प्रकार के होते हैं, एक नीला होता है बच्चों और एक क्या होता है आपका लाल होता है। और जो नीला लिटमस पेपर होता है बच्चों, अगर आप उसको अम्ल में डालेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लाल में। और जो लाल होगा बच्चों उसको आप क्या किस में डालेंगे, क्षार में, तो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, नीला में। तो ये बच्चों आप जानते रहिए लिटमस पेपर के लिए। अब याद कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले आपने अम्ल पढ़ा ना, अम्ल सबसे पहले पढ़ा, और सबसे पहले बच्चों आप किसका डिस्कशन करेंगे, नीला का। कैसे ज्ञात में सबसे पहले न आएगा, तो जो न होगा बच्चों वो अम्ल को चेंज करेगा, और जो ल होगा किसको चेंज करेगा बच्चों, अम्ल के बाद आपने क्या पढ़ा, क्षार को चेंज करेगा। तो न किस में चेंज होगा बच्चों, ल में, मतलब लाल में, और लाल किस में चेंज होगा बच्चों, न में, मतलब नीला में। तो अब बच्चों हम आपका देखेंगे
फिनाप्थलीन। और बच्चों हमने आपको फिनाप्थलीन के लिए एक ट्रिक बताया है, क्या है बच्चों? फिरंगी। क्या है बच्चों आपका? फिरंगी। फी से बच्चों क्या होता है आपका? फिनाप्थलीन। अच्छा ये बताइए बच्चों, यहाँ पे र से क्या निकलेगा बच्चों? सबसे पहले आपने अम्ल पढ़ा है, तो अम्ली विलयन है बच्चों, अम्ली विलयन में जो आपका होगा फिनाप्थलीन रंगहीन होगा, और यही बच्चों क्षारी विलयन होगा। अम्ल के बाद बच्चों आपने क्या पढ़ा? क्षार। और क्षारी विलयन में क्या बच्चों? गैस से क्या होगा? गुलाबी। और थर्ड बच्चों आपका क्या है? थर्ड है आपका मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज बच्चों क्या आपका? मलप्पा। किसके लिए बच्चों? मेथिल ऑरेंज। थर्ड क्या है बच्चों आपका? मेथिल ऑरेंज। और मेथिल ऑरेंज के लिए बच्चों याद रखिए क्या? मलप्पा। ठीक, क्या बच्चों इसके लिए? मलप्पा। मैं से बच्चों क्या होगा? मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज। ल से बच्चों क्या होगा आपका? लाल। और प से क्या होगा बच्चों? पीला। मतलब कहने का निकला कि यदि आपका अम्ली विलयन, सबसे पहले अम्ल पढ़ा बच्चों तो ल के लिए आप अम्ल लिखिए, और इसके बाद क्या पढ़ा? क्षार पढ़ा, तो दूसरे बाद क्षार लिखिए। तो अम्ली विलयन में लाल होगा, क्षारी विलयन में क्या होगा बच्चों? पीला होगा। तो ये बच्चों आपके ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद रखिएगा। अब बच्चों हम आपका आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब POP बच्चों, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब POP। अब POP क्या है बच्चों? तो सबसे पहले आप याद रखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। POP मतलब बच्चों क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या बच्चों? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब भी जल लास्ट में लगा हो बच्चों H2O, इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट 1/2 को क्या कहते हैं बच्चों? हेमी कहते हैं। क्या कहते हैं आप? हेमी। और H2O लास्ट में लगा हो तो इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रेट। तो नाम क्या निकल के आया? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट। अब बच्चों बनाने की विधि, बनाने की विधि बच्चों, अगर हम जिप्सम ले लें, क्या बच्चों? जिप्सम। और जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म कर दे बच्चों, तो हमें क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या मिलता है बच्चों हमें? CaSO4 1/2 H2O। क्या मिलेगा बच्चों? CaSO4 1/2 H2O। और क्या मिलेगा बच्चों? 3/2 H2O। तो क्या मिला बच्चों? इसे हम क्या कहेंगे? POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब उपयोग की बात करें बच्चों, इसे बनाने की विधि में क्या लिख सकते हैं? जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस वह जल बनता है, अब बच्चों उपयोग की बात करें तो बच्चों जब हमारी हड्डियां टूट जाती हैं तो उस पर बच्चों डॉक्टर एक प्लास्टर लगाता है, वही आपका क्या होता है? POP होता है। मतलब
फर्स्ट क्या बच्चों, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, मतलब बच्चों प्लास्टर लगाने में, क्या बच्चों प्लास्टर लगाने में। अगर बच्चों इसका हम प्लास्टर लगाएंगे मतलब मूर्ति के साँचे भी बना सकते हैं, मतलब दूसरा मूर्तियों के साँचे बनाने में। और थर्ड क्या होता है बच्चों, हमने साँचे भी बना लिया और कुछ न मिले तो बच्चों आप लिख सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। क्या बच्चों, अगर आपको कुछ न मिले तो लिख सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो इस प्रकार से बच्चों आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया। देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5, अम्ल और क्षार में बच्चों अंतर क्या है। तो सबसे पहले बच्चों आपको कॉलम बनाना होगा, एक तरफ लिखना होगा अम्ल और दूसरी तरफ लिखना होगा बच्चों क्षार। देखिए बच्चों, अब क्षारक क्या होता है, क्षार में क्या अंतर है बच्चों। ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं, मतलब सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं और सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, अब इसमें अंतर है तो आप कॉलम बनाइएगा। एक तरफ बच्चों हम क्या लिखें, अम्ल के बारे में लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखें बच्चों, क्षार के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप बताइए अम्ल नीले लिटमस पेपर को, लाल कर देता है, और क्षारक बच्चों, क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब बच्चों सेकेंड क्या हो सकता है आपका, अम्ल यस प्लस आयन देता है, और क्षारक क्या बच्चों, क्षारक हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। और बच्चों अम्ल बच्चों धातुओं से अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो क्या बच्चों, अम्ल धातुओं से क्रिया कर, किस प्रकार के धातु बच्चों, सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों इसमें, अम्ल जैसे HCl हमने क्या अब क्या करा दिया Na से, तो क्या निकाले बच्चों, देखिए NaCl लेकर निकल गया, क्या बन गया NaCl और 1/2 क्या बच्चों H2। तो कौन सा गैस रिलीज कर रहे बच्चों, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इसी प्रकार से बच्चों क्षार में भी लिख सकते हैं कि क्षार क्षारक सक्रिय धातु, जैसे बच्चों जिंक एल्यूमिनियम इत्यादि से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं अब इसके लिए बच्चों क्या लिखेंगे, जैसे हमने NaOH ले लिया
और जिंक से बच्चों क्या करा दिया, अभिक्रिया करा दिया, तो क्या बनेगा, Na2ZdN O3, और बच्चों क्या बन जाएगा आपका H2। तो इसको संतुलित कीजिए। अगर बच्चों हम सर इसको पॉज करो बच्चों, आपका यदि हम क्षार की अभिक्रिया सक्रिय धातु से कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, आपका साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो बच्चों जैसे यहाँ पे देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट और क्या बच्चों, हाइड्रोजन गैस बनाती है। इस प्रकार से बच्चों आप अम्ल और क्षार में आप अंतर लिख सकते हैं। यदि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई डाउट हो बच्चों तो इसे आप पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, जय हिंद जय भारत।